नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपसे बात करेंगे सभी के लिए बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, अब हम अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर घर बैठे चेंज करा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अभी तक ऐसा होता था कि अगर आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर चेंज कराते थे तो यहाँ पर आपको आधार सेंटर विजिट करना पड़ता था, वहाँ पर लाइन वगैरह में भी लगना पड़ता था और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। तो यहाँ पर दोस्तों एक UDI का न्यू अपडेट आ चुका है, अब आप घर बैठे लिंक कर सकते हो। इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाले हैं कि आप आधार कार्ड में मोबाइल नंबर घर बेटे लिंक कैसे कर सकते हो। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, हम आपको डिटेल में समझाएंगे। उससे पहले दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें क्योंकि तुम्हारा भाई दोस्तों यहाँ पे जन्म वीडियो ला रहा था। अब आपको चलिए हमें डिटेल में समझाते हैं। कुछ दिन पहले यहाँ पे इंडिया पोस्ट बैंक की तरफ से एक ये अपडेट आया भी था कि मतलब UDI से बात हो रही थी तो यहाँ पे मतलब ये प्रोसेस अब जारी हो चुका है। जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है उसके थ्रू आप जो भी पोस्टमैन गाँव बने हैं, मतलब हर गाँव में पोस्टमैन बना होता है, उनके थ्रू काम आ गया है। वहाँ पर आप मतलब जाके करवा सकते हो, वहाँ पर भी आपको जाना नहीं पड़ेगा, मतलब खुद से घर बैठे कर सकते हो। यहाँ पर मतलब जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से ये सर्विस चालू हो चुकी है, हालांकि अब आप यह काम घर बैठे ही करवा सकते हो। चलिए शुरू करते हैं, डिटेल में आपको समझाते हैं कैसे लिंक आपको अपडेट कराना है। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना होगा। इसका लिंक दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, या तो किसी ब्राउज़र में सर्च कर लोगे triplec.cept.gov.in आप इंडिया पोस्ट बैंक की तरफ से ऑफिशियल पोर्टल पर आ जाओगे। उसके बाद इस प्रकार पेज आ जाएगा, यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट को भेजना पड़ेगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जो भी पोस्टमैन होते हैं वो यहाँ पर आप घर बैठे ही मोबाइल नंबर लिंक कर मतलब रिक्वेस्ट को भेजोगे, बाकी जो उनका काम होगा वो घर बैठे ही कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले रिक्वेस्ट को कैसे भेजना है, यहाँ पे आपको अपना नाम देना है, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस पूरा देना है जहाँ पर भी आप रहते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एरिया का पिन कोड देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको दोस्तों अपना ईमेल एड्रेस देना है, जो भी आपकी ईमेल आईडी है, और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, जो भी मोबाइल नंबर आप लिंक करवाना चाह रहे हो भाई मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डालें। उसके बाद यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस प्रकार सर्विस आ जाती हैं। तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कराने के लिए IPV आधार सर्विस इस पर क्लिक करना है। वैसे ये बैंक और भी सर्विस लागू हैं तो यहाँ पे आपको इसी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फिर से सिलेक्ट वाले बटन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको मतलब दो ऑप्शन मिल जाते हैं, UDI चिल्ड 0 से 5 ईयर। अगर दोस्तों आप न्यू आधार कार्ड बनवाना चाह रहे हो 0 से 5 साल के बीच के बच्चे का, तो आप ये काम फिर भी आप घर बैठे ही कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको UDI मोबाइल नंबर लिंक, जो भी ईमेल आईडी लिंक, अगर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी अपडेट कराना है तो इसी पर नीचे वाले पे आपको दोस्तों क्लिक करना है। सारा फॉर्म भरने के बाद अच्छे से उसके बाद रिक्वेस्ट OTP पे दोस्तों क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर OTP को भेजा जाएगा, OTP को यहाँ पे आपको डाल लेना होगा। उसके बाद अगर आपके पास एक बार OTP नहीं आता तो रिसेंट OTP पे क्लिक करके दोबारा OTP मंगा सकते हो। मेरे पास OTP आ गया, यहाँ पे मैं OTP को डाल लेते हैं और यहाँ पर आपको कन्फर्म सर्विस रिक्वेस्ट इस पर दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार पेज आ जाएगा, रिक्वेस्ट सबमिटर सक्सेसफुली रिक्वेस्ट रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। इस रेफरेंस नंबर को दोस्तों आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर आपको कॉपी करके अपना रख लेना है, इसी नंबर की आपकी आगे जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे करना क्या होगा, आपको दोस्तों करना कुछ नहीं होगा, जो भी आपने रिक्वेस्ट को भेजा है, जो भी आपका पोस्टमैन है, वहाँ से यहाँ पे जो बैंक की तरफ से पोस्टमैन आएगा तो बाकी सारा काम है वो आपके घर बैठे कर जाएगा। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर लिंक हो जाएगा। अब इसी को कैसे ट्रैक कर सकते हो मतलब, तो इसके लिए अपना कोई एक ऑप्शन और भी मिल जाता है, क्लिक है ट्रैक योर मतलब रिक्वेस्ट, इसी पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से मतलब इसी रेफरेंस नंबर को यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको फेल के बटन पर दोस्तों क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका ऑफिस आ जाएगा, जो भी होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका स्टेटस पेंडिंग दिखा जाएगा, उसके बाद रिक्वेस्ट डेट यहाँ पे दिखा दी जाएगी, उसके बाद रिक्वेस्ट सर्विस दिखा दिया देखिए यहाँ पे IPV आधार सर्विस। तो यहाँ पर जो भी आपका मतलब जब वेरीफाइड हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा वेरीफाइड। दोस्तों कुछ दिन आपको वेट करना है, 1 से 2-3 दिन, उसके बाद आपका जो पोस्टमैन है वो आपका मोबाइल नंबर लिंक करके चला जाएगा, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर लिंक हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो मोबाइल नंबर लिंक करने की सर्विस आधार कार्ड में घर बैठे शुरू कैसे हुई है, किस प्रकार से आप करवा सकते हो। बाद में दोस्तों किसी प्रकार की आपके सामने प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।